जापान ने गुरुवार की सुबह राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रमा लैंडर को ले जाने वाले रॉकेट H11A लॉन्च किया है। मौसम की खराबी के चलते पिछले महीने एक हफ्ते में 3 बार मिशन स्थगित करने के बाद आखिरकार जापान ऐसा करने में सफल रहा। तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से HIIA रॉकेट के जरिए यह लॉन्चिंग की गई। बार बार खराब मौसम के चलते जापानी अंतरिक्ष एजेंसी को मून मिशन की लॉन्चिंग की तारीख को बदलना पड़ा था। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मून मिशन मून स्नाइपर में रॉकेट एक लैंडर को ले जाएगा, जिसके 4 से 6 महीने में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। जापान के मून मिशन में ब्रह्मांड के विकास के जांच के लिए डिजाइन किया गया एक एक्सरे इमेजिंग उपग्रह भी होगा। ये कार्यक्रम जाक्सा के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसमें अंग्रेजी और जापानी दोनों भाषाओं में प्रसारण की पेशकश की गई। जापान काफी लंबे समय से अपने मून मिशन पर काम कर रहा है। जापान के मून मिशन में कई सारी चीजें शामिल हैं। इस मिशन के तहत चंद्रमा पर जांच करने के लिए स्मार्ट लैंडर को उतारना है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी मून स्नाइपर को H2A रॉकेट के जरिए चांद पर भेज रही है। मून स्नाइपर में हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, जो चांद को समझने के लिए काम करेगा। स्लिम की चंद्र लैंडिंग अगले साल की शुरुआत में निर्धारित है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर उतरने का यह पहला प्रयास है। इस साल मई में एक निजी जापानी कंपनी द्वारा किया गया पिछला प्रयास विफलता में समाप्त हो गया था। स्लिम चंद्रमा की जांच के लिए एक स्मार्ट लैंडर एक बहुत छोटा अंतरिक्ष यान है, जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। इसकी तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल का वजन लगभग 1750 किलोग्राम था। SLIM का मुख्य उद्देश्य चुनी गई साइट के 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन करना है।